Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। श्लोक सबको गाना सुनाएगा। भगवान ने मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। इनफैक्ट आप लोगों को भी कुछ नसीहत लेनी चाहिए बच्चों से। हमारे बच्चे राम का प्रसाद भी खाते हैं, रहीम की खीर भी पीते हैं। ये बच्चे इंसानियत को मजहब मानकर जीते हैं। ये चाहत ने बुड्ढों के लिए अस्पताल तो सौरा जी के नाम पर खुला हुआ है, तो मुझे और शक हो रहा है कि सौरा जी जिंदा तो नहीं है। कैसा लगा आपको मेरे बच्चों का गाना? अब तो काफी मायूस होगी ना मिसेस बेक कि आपको तमाशा करने का एक मौका तक नहीं मिला आज। ये अगर तुझे तमाशा नहीं पसंद है तो क्यों लेके आ गई इसे? तमाशे करने में तो आप भी माहिर है मामी। हिंदू का रंग, केसरी, मुस्लिम का रंग, हरा, ये सीख दे रही हैं आप मेरे बच्चों को। लेकिन अल्लाह की रहमत देखी मामी, आप दोनों को खुश करने के लिए जो तरकीब मेरे बच्चों ने निकाली उसमें तो उनकी हकीकत छुपी है। मेरे बच्चे नील के मजहब को भी मानेंगे और मेरे मजहब को भी। हमारे बच्चों में मजहब को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी। मैंने जानबूझकर आज नील के सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि आज नील का खास दिन है और मैं उनका दिन खराब नहीं करना चाहती थी मिसेस बेक। लेकिन आप दोनों ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर किसी ने भी मेरे बच्चों को मजहब के खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाहत के होते बच्चों की कस्टडी लेना आसान नहीं होगा और मेरे जो बचे हुए पैसे हैं वो भी खत्म होने को आए हैं। अब कोई हटके तरकीब
इस्तेमाल करनी ही होगी। सुनिए, दरअसल मैं चाहत का रिश्तेदार हूं, मरीजों से मिलने के लिए आया हूं, मिल सकता हूं? लेकिन पेशेंट्स तो सारे शिफ्ट हो गए हैं, सिर्फ एक दो शिफ्ट होने बाकी हैं। जो दो तीन बचे हैं उनको तो मिल सकता हूं ना? हाँ सर, आइए सर। यहीं बैठे रहिए। हेलो नीलकंठ सर, बाकी सब पेशेंट को तो शिफ्ट कर दिया है, लेकिन चाहत मैडम के एक खास पेशेंट हैं। उनको पूछने के लिए वो हर दिन फोन करती हैं। वो चाहत मैडम के सिवा किसी और की बात मानेंगे नहीं, और इनको अगर किसी और हॉस्पिटल में डालते हैं तो ये खुदकुशी करने की भी कोशिश कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर कोई बुजुर्ग चाहत से अटैच है तो उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आप एक काम कीजिए, वो पेशेंट को आप यहाँ ले आइए चाहत के पास, वो चाहत से मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि चाहत उन्हें बाद में समझा दे कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत जरूरी है। आप एक काम कीजिए, मैं टिकट के पैसे भेजता हूँ आपको। ओके। बाबा, डॉक्टर चाहत आपको अपने घर रखकर आपकी देखभाल करेंगी। वैसे उनके पति नीलकंठ ध्यानी जी को भी मानना पड़ेगा, कितना बड़ा दिल है उनका। नीलकंठ, ध्यान से सोच, और होंगे, होने चाहिए, और है कि नहीं है? नहीं सर, इतना ही है। रुद्राक्ष की माला तो ये तो सौराजी की है, इसका मतलब सौराजी जिंदा।
ये तो मेरी माला है, तुम्हें कहाँ मिली पागल? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।